नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह जड़ी बूटी तुलसी कुल का पौधा है और पुदीने की प्रजातियों में ही पाया जाता है। दोस्तों, इसे विलायती पुदीना भी कहते हैं क्योंकि जापान से इसका आयात किया जाता है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम है जिसे मेंथोल या पीपरमेंट कहते हैं। इसके मुंह में डालने से ही ठंडक की ठंडी फुहारों का एहसास होता है। तो चलो बात करते हैं पीपरमेंट के बारे में। इस पौधे को जापानी पुदीना, विलायती पुदीना, पीपरमेंट, मार्श मिंट, पीपारमिंट तथा मेंथा आदि नामों से जाना जाता है। यह पौधा जापान, ब्रिटेन, अमेरिका का निवासी है और हमारे यहाँ इसका तेल व सत्व जापान से ही मंगाया जाता है, लेकिन इसके गुणों व मांग के कारण ही इसे आज सारे भारत में भी बोया जाने लगा है। कर्नाटक, कश्मीर, दिल्ली, देहरादून व उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर आदि में भी इसकी खूब खेती की जाने लगी है और लोग किसान इसकी खेती से खूब संपन्न बनते जा रहे हैं। इसकी बढ़ती मांग के कारण ही यह देसी विदेशी बाजारों में भी खूब चमक रहा है और इसके तेल व सत्व की मांग खूब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पीपरमिंट का पौधा 30 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा, हल्का बैंगनी रंग का या हरा होता है और इसके पत्ते चिकने उभरे सिराओं वाले दंतुर व हरे रंग के होते हैं। इसका पुष्पदंड मोटा होता है जिसके अगले सिरे पर छोटे बैंगनी रंग के रोम वाले पुष्प लगते हैं और साथ में छोटे छोटे फल भी लगे रहते हैं। इसके पौधों में एक उड़नशील तेल होता है जिसको मेंथोला, राल्टेनिन तथा गोंद आदि भी इसमें पाए जाते हैं। इसकी ताजी पत्तियों से तेल प्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पीपरमिंट के गुणों, धर्मों, विपाक, दोष कर्मादि के बारे में। दोस्तों, पीपरमिंट लघु, रुक्ष, त्रिक्षण गुण वाला, विपाक में कटु, उष्ण वीर्य यानी कि गर्म तासीर वाला होता है। यह कफवात का शमन करने वाली बूटी है। इसके गुण धर्म पुदीने के गुण धर्मों की भांति होते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं मेंथोल यानी पीपरमिंट के प्रयोज्य अंगों, मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। इसके सत्व तेल आदि का ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर पीपरमिंट के फांट यानी कुछ पत्रों को मसलकर पानी में डालकर उसको पानी को पिलाया जाता है तो 10 से 25 ml तक पीपरमिंट का जो सत्व अगर प्रयोग किया जाता है तो 30 mg से एक रत्ती तक की मात्रा में, तथा पीपरमिंट के अगर तेल का प्रयोग करते हैं तो 1 से 2 बूंद तक की मात्रा में ही आयु, बल, प्रकृति, मात्रा, देश, काल, वातावरण आदि का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस नायाब बूटी के कुछ स्वास्थ्य प्रयोगों के बारे में। दोस्तों, पीपरमिंट दीपन, पाचन, वातानुलोमन, छर्दीग्राही, कृमिनाशक, हृदय को बल देने वाला, कफ और कफ का जो आसानी से निस्सारण करने वाला, निकालने वाला, महीना लाने वाला, सड़न, दुर्गंध व संक्रमण को नाश करने वाला, वर्णों, जख्मों को शुद्ध करने वाला तथा दर्द पीड़ा का नाश करने वाला होता है। इसका प्रयोग दर्द नाशक तेलों, मरहमों, भाप के कैप्सूलों, गोलियों, चूर्ण, बाम आदि के बनाने में खूब किया जाता है। यही नहीं, खांसी के सिरप, नज़ला जुकाम के शरबतों, चूसने की गोलियों, मिठाइयों, पान मसाला, च्युइंगम, टॉफी, दंत मंजनों, साबुन, माउथ फ्रेशनर आदि में भी धड़ा धड़ किया जा रहा है। और सच तो यह है कि इसके प्रयोग गुणों व लाभों के कारण ही
इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आसमान को छूती जा रही है। दोस्तों, अगर आमाशय यानी पेट में दूषित बात के कारण सूल है, विसूचिका है, पेट में ऐठन मरोड़ होती है, दस्त आ रहे हैं, तो पीपरमिंट का फांट पिलाने से बड़ा लाभ हो जाता है। अगर भूख कम है, अग्नि मंद है, तो खाने में मन नहीं लगता, तो इसके फांट में मिश्री का चूर्ण मिलाकर पिलाने से इसके जो लाभ हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इससे हृदय की कमजोरी, कांस, श्वास, खांसी आदि में भी बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, अगर सिर में फंगस है, जुए हैं, तो इसके फांट से सिर को धोने से जुए फंगस का नाश हो जाता है और बाल साफ शुद्ध व स्वच्छ हो जाते हैं। दोस्तों, अगर पीपरमिंट के संयोग से ही गुणकारी सैकड़ों रोगों को नाश करने वाला द्रव अमृत धारा बनाया जाता है। यह द्रव आयुर्वेद की श्रेष्ठ औषधियों में गिना जाता है। इस द्रव अमृत धारा की एक से दो बूंद बतासे में डालकर सेवन करने से पेट रोगों, नजला, जुकाम, कंठ रोगों आदि सैकड़ों रोगों में बड़ा लाभ करती है। यही नहीं, इसको अमृत धारा यूं ही नहीं कहते, इसको जो अधिक गुणकारी भी और बनाया जा सकता है, जिसके लिए इसमें कुछ खास जड़ी बूटियों, रसों, सत्वों को मिलाया जाता है, जिससे इसके नाम भी इसकी बड़ी शक्ति तीव्रता अनुसार ही रखे गए हैं, जैसे अमृत धारा, पीयूष धारा, सिंधु धारा, सुधा सिंधु, अमृत जो अमूल्य रत्नम आदि नाम हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये अमृत धारा आयुर्वेद की एक श्रेष्ठतम औषधियों में गिनी जाती है। दोस्तों, अगर दंत पीड़ा है, दांत में कैविटी यानी गड्ढा है, सूल पीड़ा है, सूजन है, तो रुई में एक बूंद पीपरमिंट सत्व डालकर या अमृत धारा की एक दो बूंद डालकर दांत के गड्ढे में रखने से दांत की जो दर्द, पीड़ा, सूजन, संक्रमण का नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर दर्द, पीड़ा, वात रोगों, जोड़ों के दर्द, कंधा, कमर में दर्द, अकड़न जकड़न होने की समस्या है, पूरे शरीर में हड़फूटन रहती है, अंग मर्द की समस्या है, तो इसके संयोग से बने तेलों, मरहमों, बाम आदि को लगाने से दर्द पीड़ा का नाश हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों, मेंथोल जिसे पीपरमिंट कहते हैं, यह आयुर्वेद की बहुत ही गुणकारी नायाब औषधि है, और यह जो इसको सेवन करते हैं तो मुख में ठंडी ठंडी फुहारों का एहसास कराने वाली यह नायाब बूटी है, गुणकारी है, कीमती औषधि बूटी है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है, आशा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नायाब जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।